हेलो, यू आर वॉचिंग एनएल फर्नीचर्स। आपको पूरा प्लाई में चाहिए, फुल 18 mm की प्लाई में आपको बेड दूंगा। नए डिजाइन इंट्रोड्यूस करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। होलसेल का जैसे हम हमेशा कहते हैं, आपको असली मतलब दिखाएंगे आज। पूरा आपको लैमिनेटेड बॉक्स मिल जाता है, अंदर भी पूरी लैमिनेट होती है, बाहर भी पूरी लैमिनेट। और हाइड्रोलिक तो आपको हर बेड में मिलना है, हाइड्रोलिक सब में आपका 22,800 2800 का ये ऐसा बेड। हाँ जी, ठीक है। और ये वाला शेप कैसे अलग है मैं आपको बता दूँ। हाँ जी, कि आप ये देख रहे हैं, ये स्लांट आ रहा है और ये सीधा आ रहा है। मार्केट में कहता है यहाँ से ऐसे आ जाता है बार को। 30,000 का मिलेगा, 30,000 का पूरा सेट मिलेगा। सर ये भी हमारे एनएल फैमिली का ही बुकिंग का सोफा है, ठीक है। क्वालिटी वाइज देखें मेरे हिसाब से, सर आप ये लगवाओगे तो लाइफ डबल है आपकी फिर ऐसी। अच्छा, ठीक है। इसके ऊपर हम सॉफ्टी फोम भी लगा देते हैं, उससे कम्फर्ट और बढ़ जाता है। आके देखेंगे, अगर कोई गद्दी हम अच्छे से दबा रहे हैं, अगर वो फट जाती है, अगर तो ये लोकल गद्दी होती तो ये फट जाती है। हम जितना अगर पेन भी इसमें घुसा देना, अगर इसमें गड्ढा हो गया तो मतलब क्वालिटी बहुत घटिया है। और अगर इसका इंप्रेशन भी आ गया ना, इंप्रेशन भी आ गया तो समझ लीजिए बेकार हो गया। क्वालिटी वो जो एक बेसिक स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, उसका जो एक होता है एल्गोरिथम वो पता होना चाहिए। जो होता है ना, जो एस एस की स्ट्रिप होती है, ये हम निकाल देते हैं। इस पर जो होता है ना एस एस की स्ट्रिप होती है, रैपर चढ़ा हुआ, जो भी रैपर चढ़ा हुआ स्टिकर लगा हुआ, सारा आपका बोर्ड है, कहीं पे भी आपका पार्टिकल बोर्ड है, कुछ इस्तेमाल नहीं है। हेलो मयंक जी, कैसे आप? नमस्कार सर, बहुत बढ़िया। सर ये हमारी फोर्थ एपिसोड आपके साथ है। हाँ जी। हाँ, तो जो लास्ट 3 वीडियोज थी हमारी, तो कैसा रिस्पॉन्स रहा आपका? सर देखिए, जो एनएल फैमिली से हमें प्यार मिल रहा है वो बहुत ही अलग है। वो आपको हमारे प्रोडक्ट्स में भी दिखेगा कि हम कैसे अपने प्रोडक्ट रेंज को बढ़ाए जा रहे हैं, अपनी क्वालिटी को बढ़ाए जा रहे हैं, और प्यार तो बरकरार है सर। मतलब फैमिली से काफ़ी प्यार मिलता है। ठीक है। हाँ, तो 3 वीडियोस हो चुके हैं, लोग काफ़ी जान रहे हैं आपको, पसंद कर रहे हैं आपको, आपकी क्वालिटी को, आपके प्राइस को, आपके डिज़ाइन को। हाँ जी। तो आज की वीडियो ना आप ही पूरी करेंगे, क्योंकि आज मेरी हिम्मत नहीं है, थोड़ी तबीयत खराब सी लग रही है मेरे को, तो आप ही आज की वीडियो पूरी करेंगे। बिल्कुल सर। तो बताइए आज क्या बताएंगे? आपको ऐसी चीज़ें बताएंगे फर्नीचर इंडस्ट्री के बारे में, थोड़ा सा एक इन डेप्थ आपको इनसाइट्स देंगे, कुछ क्वालिटी के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ गाइडेंस देंगे कस्टमर्स को। जैसे कि सर, जैसे क्वालिटी में हमारा किन चीज़ों में ध्यान देना चाहिए बेसिकली। ठीक है। अभी से डिज़ाइन है, हर कोई बेच रहा है, ठीक है। कोई 40,000 रुपये का बेच रहा है, कोई 1,00,000 रुपये का भी बेच रहा है। ठीक है। तो वो जो एक बेसिक स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, उसका जो एक होता है एल्गोरिथम वो पता होना चाहिए। ठीक है। तो आज कुछ नॉलेज शेयर करेंगे आप, कह रहे हैं ना, पता होना चाहिए कि डिज़ाइन किस तरीके का होना चाहिए, उसमें फिनिशिंग किस तरीके की होनी चाहिए, क्वालिटी किस तरीके की होनी चाहिए, साइज किस तरीके का होना चाहिए, और इस क्वालिटी का प्राइस क्या रहने क्या होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं सब। हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबको पता है यहाँ पे हर बार कुछ नया देखने को मिलता है, तो आज क्या करेंगे हम कोशिश कि आज पूरी वीडियो शूट करेगा वाइड एंगल में। बिल्कुल सर, आज थोड़ा एक वाइडर व्यू मिलेगा, है ना। हो हाँ। सकता है थोड़ा छोटे देखे सोफे, लेकिन है पूरे साइज के, तो बस यही बात है। ठीक है। हाँ, पर है पूरे स्टैंडर्ड साइज जो जनरली रहता है। बताइए सर, पहले शुरुआत करते कुछ सोफाज के रेंज से हमारी। इस बार हम कुछ जो लाए हैं, एल सीटिंग तो हमेशा होती ही है, ठीक है। कुछ इस बार हम 5 सीटर्स भी लेके आए हैं, तो आगे आगे आपको वीडियो में दिखाते जाएंगे। एक ये सर सबसे लेटेस्ट सोफा है हमारा, ठीक है। ये हमारा कहते ना हॉट सेलर है इस समय, ठीक है। आप देख के भी, आपने भी सर कहा था, बहुत ही आंखों को बाहर ये चीज़ होती है। इसकी फिनिशिंग सर देखेंगे, एक एक प्लेट स्किन आप, दैट इज नेक्स्ट लेवल हमारा। कलर बहुत अच्छा है, ठीक है। डिजाइन जो साइज है हमारा स्टैंडर्ड रहता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, ये वाला जो एरिया होता है हमारा, ये 9 फीट होता है, ठीक है। ये वाला जो साइड होती है राइट हैंड, इसको हम कहते हैं RHS सोफा, ठीक है, क्योंकि राइट हैंड पे इसका सेकंड पार्ट आ रहा है। ये हमारा 7 फुट होता है, 9x7, ठीक है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड साइज होता है, ठीक है। टेबल पे भी हमने सेम क्विल्टिंग वाला काम दिया हुआ है इसके, ठीक है। इवन जो इसके हमारे प्लेट्स आ रहे हैं पफीज के ऊपर, बहुत अच्छा वर्क निकल गया है सोफे में हमारा, ठीक है। प्राइसिंग सर होल्ड करेंगे, थोड़ी वीडियो में आगे बताएंगे, ठीक है। पर बताएंगे जरूर, बिल्कुल बिल्कुल, लोगों ये ना लगे कि हम प्राइस नहीं बता रहे। नहीं नहीं, प्राइस बताएंगे। और मैंने अपनी वीडियोस में, बहुत वीडियोस में लास्ट में प्राइस बताया, पर लोग लगता है कि मैंने प्राइस नहीं बताया। नहीं नहीं सर, बिल्कुल, बहुत कंफ्यूजन होती है, ठीक है। ठीक है। RHS बड़ा अच्छा, आपने एक टर्म बताई कि RHS कहते हैं कि जिसका राइट हैंड साइड पर सेकंड आम होता है। अब कुछ और डिजाइन सर दिखाते हैं जी, बताइए। सर की वाले डिजाइन पे आते हैं, ठीक है। ये हमारा अल्फा के नाम से डिजाइन हमने निकाला है वाला, ठीक है। इसका आप देखेंगे सबसे पहले सर, हैंडल बहुत ही मतलब सूदिंग है, अच्छा लगता है काफी वाला। फैब्रिक चॉकलेटी सा इसमें कलर रख दिया हमने थोड़ा। स्वेड लेदराइट है, अच्छी क्वालिटी का है, 300 GSM का है, लगभग 350 रुपये मीटर का कपड़ा है वाला भी, ठीक है। तो अच्छा मटेरियल काउंट होता है इसका, ठीक है। क्वालिटी अच्छी है। जो इसका हैंडल आ रहा है,
इसका जो मेन हाईलाइट है इसमें हम वर्क दिखा है, चेस्टर का इस पर काम करा हुआ है, ठीक है। ये जो हैंडल आ रहा है मैं झूठ नहीं बोलूंगा फाइबर का आता है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी होती है, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें आपकी, ठीक है। बाकी टेबल 3x3 का स्टैंडर्ड होता है सबके साथ, आप 4x2 भी ले सकते हैं अगर आपके पास रेक्टेंगल में आपको चाहिए तो। अच्छा, अब इसमें जो सिर्फ मेन फर्क आता है, ये हमारा हम सेट देखें एल सीटिंग नहीं है, ये हमारा कॉर्नर सेट है, ठीक है, ठीक है। अब ये भी हम चीज़ व्यूअर्स को बता देते हैं, कॉर्नर सेट में फर्क क्या आता है। अब जैसे नॉर्मल जो जैसे वाला सोफा था हमारे, ठीक है, इसको हम गिनते हैं, जो सोफा सोफा है उसको हम 6 सीट्स में गिनते हैं, ठीक है, वो 3 सीटर ऐसे और 3 ऐसे, 3 ऐसे। अब यहाँ पे अगर हम आ जाएं तो ये जो कॉर्नर होता है ना इसको हम 1.5 सीट में गिनते हैं, तो यानी कि टोटल हमारी आधी सीट बढ़ जाती है उसमें। अच्छा अच्छा, ये थोड़ा बड़ा रहता है, बड़ा रहता है, थोड़ा सीटेबल हो जाता है, ठीक है। और तो इसमें एक छोटा सा मतलब बंदा बैठ सकता है, एक छोटी जगह मिल जाती है पैर रखने के लिए। हाँ जी हाँ जी, इसमें कोई बैठ सकता है आराम से, ये चीज़ होती है। बाकी डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है वाला भी, काफ़ी मतलब जिनको थोड़ा अच्छी होता है रॉयल चीज़ में, तो अल्फा नाम रखा है इसका। प्राइस एंड में बताएंगे इसका भी, ठीक, मतलब सबके ऊपर बताने जरूर है, बताएंगे सर बिल्कुल। और ये फैब्रिक मेरे को जो अभी पता लगा है, इस फैब्रिक के जो ये पैटर्न बना हुआ इसको डिजाइन को इसको कहते हैं क्लाउड प्रिंट। हाँ जी हाँ जी, क्लाउड प्रिंट जो मुझे आप पता लगा है, बहुत ही ट्रेंडिंग है सर ये भी आजकल। आप क्या दिखा रहे हैं इसके बाद सर? अब थोड़ा सा जैसे मैंने बोला क्वालिटी एक्सप्लेन करते हैं सबसे पहले। सोफे तो सर बहुत है, दिखाते ही रहेंगे हम। अब हम जो फोम लगाते हैं सर इसमें फेदर फोम होती है, ठीक है, ऐसा जैसे इसमें मेंशन है फ्रॉम द हाउस ऑफ स्लीपवेल है, ये भी आपका स्लीपवेल का ही कह सकते हैं, हाउस ऑफ स्लीपवेल लिखा हुआ है, सेम ग्रुप होता है, शीला ग्रुप का ही आपका स्लीपवेल है, शीला ग्रुप का ही आपका फेदर फोम आता है, दोनों चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब जो फोम्स में जो बेसिक क्वालिटी आती है ना वो उसकी डेंसिटी से पता चलती है, ठीक है। डेंसिटी आपकी 32 भी आती है, 28 भी आती है, 40 भी आती है, 50 भी आती है। डेंसिटी का मतलब आपका, मैं आपको बताता हूँ, जैसे अब हमारी फेदर फोम है जो हम लगा रहे हैं इसमें, ये हमारी 32 डेंसिटी की गद्दी होती है, ये हमारी येलो कलर की गद्दी आती है। अब क्वालिटी देखने से जैसे इसमें मेंशन है फेदर फोम, अगर इसमें कैमरे में क्लियरली आ रहा है 32 डेंसिटी, आई थिंक कवर नहीं हो पा रहा है लेकिन कोई बात नहीं। अब हमें क्वालिटी देखनी किसी भी गद्दी की ना, तो हम उसको दबा के देखेंगे। अगर कोई गद्दी हम अच्छे से दबा रहे हैं अगर वो फट जाती है, अगर तो ये लोकल गद्दी होती तो ये फट जाती है, हम जितना अगर पेन भी इसमें घुसा देना अगर इसमें गड्ढा हो गया तो मतलब क्वालिटी बहुत घटिया है। और अगर इसका इंप्रेशन भी आ गया ना, इंप्रेशन भी आ गया तो समझ लीजिए बेकार फोम। क्वालिटी का सबसे बड़ा जो झोल है यहीं पर होता है। अब इसी में ही अगर हम 40 डेंसिटी लेते हैं, ब्रांड भी रहता है, फेदर फोम रहता है, ठीक है, गद्दी हो जाती है हमारी इसमें पिंक कलर की होती है, इसमें मेंशन होता है 40 डेंसिटी है, 40 डेंसिटी में होता है थोड़ी हार्ड होती है, ठीक है, पहले दिन से थोड़ी हार्ड होती है आपकी। अगर 32 डेंसिटी है थोड़ी सॉफ्ट होती है, तो 40 में थोड़ी सी आपको लाइफ ज़्यादा मिल जाती है, और कोई फर्क नहीं, एक दो साल का आपको फर्क मिल जाता है, क्योंकि पहले दिन से थोड़ी हार्ड है धीरे धीरे सॉफ्ट होती है, बेसिक फर्क है अगर हम लेमन की भाषा में कहें। अब इसी में हम स्लीपवेल में अपग्रेड करना चाहें तो ये 32 डेंसिटी भी मिलती है हमें, 40 डेंसिटी भी मिलती है, ये तो सर एक स्टैंडर्ड है। स्लीपवेल तो आपको इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, जो क्वालिटी वाइज हम देखेंगे मोर देन सफिशिएंट रहती है। और स्लीपवेल की पहचान जो ये आपको ये जेल्स बॉल दिख रही है ये होती है, जेल बॉल ये सब ये होती है, और इनकी हमेशा थिकनेस 5 इंच की रहती है, 5 इंच फेदर फोम 4 इंच से 4.5 इंच के बीच में आती है, 4 इंच की आती है, सुपर नहीं आती। हाँ जी, 4 ही और स्लीप वेल आती है हमारी 5 इंच की, 5 इंच की आती है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है सर, फोम जो लोकल आती है ना उसमें क्या करते हैं, फोम में फिलिंग होती है, तो जैसे आप दबाओगे बिना, ऐसे लोकल फोम वैसे पड़ी नहीं यहाँ पे कोई दिखाने के लिए, तो उसमें आप दबाओगे थोड़ा मिट्टी मिट्टी सा कुछ निकलता है, फिलिंग होती है बेसिकली, तो ये चीज भी एक नोटिस करने वाली होती है। क्वालिटी ऐसे मतलब फेदर फोम तो है ही अच्छी। अब लोगों ने बहुत लोगों ने फेदर फोम नहीं सुना था, कस्टमर्स हमारे पास आते हैं सर फेदर फोम छोड़ो स्लीपवेल लगवा दो, उनको स्लीपवेल हाँ क्योंकि उनको पता हो स्लीपवेल होता है, लेकिन फेदर फोम इज नाइस, मतलब आप जा सकते हो। उनको क्यों पता था स्लीपवेल? क्योंकि मार्केट में लोग फेदर को स्लीपवेल बोल के बेचते हैं, सीधी बात है। और मेरे ख्याल से 99 का मतलब बिकती 99% फेदर फोम ही है। पर अब लोग क्लियर हो गया लोगों को, वो बता के बोलते हैं कि ये फेदर फोम स्लीपवेल है। अब स्लीपवेल का एक नया अभी गद्दा है, आपने सुना होगा, वो भी बहुत अच्छे चल रहे, प्रो सोफा, प्रो सोफा बहुत अच्छा गद्दा है वो भी। अब सर इसी में थोड़ा अपग्रेड करते हैं, एक सोफा जैसे हमारे ये आ गया सर, इस पे हमने लगाई हुई होती है पीयू फोम, ठीक है, पॉलीयूरेथेन फोम होती है, ठीक है, बेसिकली इसको रबराइज फोम ही कहते हैं, ठीक है। क्वालिटी वाइज देखें मेरे हिसाब से सर आप ये लगवाओगे तो लाइफ डबल है आपकी सीधा इसी से। अच्छा, ठीक है, इसके ऊपर हम सॉफ्टी फोम भी लगा देते हैं, उससे कंफर्ट और बढ़ जाता है, जैसे कि हमने ये वाला सोफा बनाया हुआ है, तो मतलब मैं तो हमेशा ये कहता हूँ जब कोई आके कस्टमर इस पे बैठ जाता है ना, एक बार बाकी सोफा से उसका मन उठ जाता है सर, वो कहते हैं सोफा ये दे दो लेकिन फोम ही लगा दो,
अच्छा ठीक अच्छा है, थोड़ा डिजाइन दूसरा दे दो, पर फोम ये दे हाँ दो, हाँ गद्दी जी ये दे दो। हाँ जी क्वालिटी सर, मतलब एक कंफर्ट आता है जो आता है ना, ब्रांडेड चीज आई थी थोड़ी वो कह सकते हैं जी ठीक है। इसमें आप पूरे अगर सेट में आप ये वाली फोम लगवाना चाहो किसी भी सेट में, जो हम नॉर्मल लगा रहे हैं फेदर फोम होती है, अगर किसी भी सेट में आप अपग्रेड कराते हो लगभग 10,000 रुपये का फर्क आ जाता है आपका ठीक है ठीक है, 10,000 रुपये का फर्क आ जाता है। बाकी एक सेट चेस्टर में है, प्राइजेस एंड में बताएंगे जैसे कि बताया गया। पर बताइएगा जरूर। बिल्कुल सर, ये हमारा हॉट सेलर जो नया आया अब, बहुत ही लोगों को पसंद आ रहा है, मैंने एक हफ्ते में कम से कम इसकी 4 बुकिंग ले ली है पिछले ठीक है। ठीक है। इसका फैब्रिक सर देखिए कितना अलग सी चीज़ है ये भी, आइस ब्लू लग रहा है मेरे को। हाँ जी आइस ब्लू है और बहुत ही कैची है कलर ये वाला। इवन इसके कुशन्स भी हमने थोड़े फर वाले दिए हैं, थोड़ा ठीक है। कॉम्बिनेशन में कुशन्स दिए हैं इसके। चेस्टरफील्ड तो सर हमेशा से ही कस्टमर्स की फर्स्ट चॉइस रही है ठीक है। बाकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, जैसे हम दे सकते हैं टेबल पे भी हमने सेम चेस्टर दे दिया। लेग्स इसके हमने यू वाले दिए हैं, काफ़ी हैवी लेग्स होते हैं वाले भी ठीक है। ये लेग भी अगर हम मार्केट में जो नॉर्मल लगते हैं ना, इससे जो टी वाले लेग्स होते हैं वो आते हैं 40-50 रुपये ठीक के, है। ये अच्छा 200 रुपये का एक पाया बैठता है आपका। आप मेरे पास आएंगे मैं आपको दिखाऊंगा उसका जो इसकी स्ट्रेंथ होती है ना, जो हैवी होता है पाया, वो भी बहुत फ़र्क होता है। ठीक है। दिखने में खास नहीं है हाँ पर इतना महंगा है आप कह रहे हाँ हैं, जी जी और आप प्राइस बता ही देते हैं। मैं क्योंकि मेरे को लगता हाँ है कुछ लोग ना फिर स्किप कर देते हैं वीडियो बहुत ज़्यादा, उनको लगता है कि प्राइस बताया नहीं, वो हाँ बंद करके जी चले जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि प्राइस बता दे एक बार, चलो सर आप यहीं कह से रहे हैं स्टार्ट तो बिल्कुल करके। सर, अगर इस सोफे के बारे में सर आप मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखो, लोग ऐसे सोफों के कम से कम 10-10 हज़ार रुपये सीट मांग लेते हैं। पहले बता देता हूँ इसमें फोम कौन सी डली है, जी फेदर फोम लगाई गई है, उसके ऊपर सॉफ्टी फोम भी डाली गई है ठीक है। ठीक है। अब मैं जो इसकी आस्किंग करूँ बड़ी नॉमिनल सी है, जो क्वालिटी दे रहे हैं उस हिसाब से मांगने वाले 80,000 भी मांग सकते हैं, 70 भी मांग सकते हैं, मैं इसके मांगता हूँ कुल 60,000 रुपये साठ पूरे सेट हजार का, रुपये टेबल पफी एवरीथिंग इंक्लूडेड इसमें आपका। कितने रुपये शीट हो गए? सर 60,000 के हिसाब से अगर हम लगाएं, 8 सीट आपकी बैटरी मोटी मोटी, तो लगभग लगभग हमारा 7500 पर शीट हो सेवेंटी गए, फाइव हंड्रेड पर सीट चेस्टरफील्ड आ गया और हमारा। ये सारे फैब्रिक आप ये फर वाले दे दोगे इसके साथ सर अगर कोई एनएल फैमिली से आएगा तो मना बिल्कुल नहीं करेंगे, तो मतलब मिल जाएगा आपको। मिल जाएगा अगर सर आप चाहते हैं कि हाँ ये फर वाला जो फर वाला कुशन कुशन। है 6 के 6 आपको चाहिए तो आपको 6 के 6 मिल सर इवन मैं जाएगी। आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत सारी क्वेरी होती है, अब हाँ मैं हाँ आपको बताऊँ ये वाला फैब्रिक है जैसे हमने इस बेड पे फैब्रिक लगाया हुआ है जो सामने हमारे पड़ा हुआ है ठीक है, ये होता है ये सेम लेदर राइट, सेम कलर की आपको 100 रुपये मीटर पे मिलती है, मार्केट में आपको 1,000 रुपये हाँ मीटर पे मिलती है मिलती है। मिलती है। तो ये चीज़ का बहुत फ़र्क होता है, अब लोग कंपेयर करते हैं कि सर ये वाला सेट वहाँ पड़ा है, ये मेरे को मिल रहा है 40,000 रुपये का, कहीं 1 लाख रुपये का भी मिल रहा होता है, तो क्वालिटी क्वालिटी का फ़र्क होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ आप जहाँ से भी ले रहे हो क्वालिटी का फ़र्क होता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी लीजिए, नॉलेजेबल आप रह के लीजिए ठीक है। इसमें जो हमारा फैब्रिक लगे 350 रुपये मीटर के आसपास का ठीक लगा। है। तो 7500 पर सीट है, छः हाँ के छः आप फॉर ले क्वेश्चन ले सकते हैं। इसका प्राइस क्या है जो पीयू के साथ, बिल्कुल कितना प्राइस है इसका सर, पीयू फोम वाले पे आते हैं हम, 56,000 हमारा टोटल सेट का इसका प्राइस है। टोटल रहता है? हाँ जी और ये वाला भी दिखाया नहीं अभी। सर इस सेट पे भी आ जाते हाँ हैं, पहले ये भी दिखा। हमारा ग्रे कलर में है थोड़ा ठीक है। इसमें हम देखें पूरा हमने बैक पे चेस्टर का काम दिया हुआ है ठीक है, काफ़ी नीट है, आपका डेप्थ भी ठीक ठाक है, अच्छी खासी दी हुई है इसमें, अच्छी खासी डेप्थ है इसमें। लेग 3 तार लगाए हुए हैं, अगेन 200 रुपये का एक पाया बैठता है, फैब्रिक की क्वालिटी 300 GSM है, सब में स्टैंडर्ड करीब है ठीक है, कोई ठीक ऐसा है। नहीं 100 GSM 200 GSM कुछ नहीं, 300 GSM होना चाहिए कम से कम ठीक है। अब जो हमारा पाइपिंग का काम आ रहा है, अगेन ये फैब्रिक है हमारा, ये कोई स्टील नहीं है आपका, मेटल नहीं है, ये मेटल नहीं है फैब्रिक है। आपका, ये बहुत आपका अच्छा, फैब्रिक का काम है, ये मेटल हमारा ये मेटल हाँ इनसाइड में। ये भी मेटल हाँ जी हाँ जी, ये एलिमेंट्स होते हैं छोटे छोटे ठीक है। अगर ये 3-2 के बारे में आते हैं, ये हम आपको दे देंगे मार्केट में से कुछ भी मांगते हैं, 8,000-9,000 रुपये सीट, 7,000 रुपये पर सीट दे देंगे आपको ये ठीक है। वाला, 7000 पर सीट आपको यानी कि मिलेगा ये वाला 35,000 का 3+2 मिल जाएगा आपको। ठीक है। और जो ये वाले बताए थे हमने, जैसे इसका प्राइस, ये बहुत पसंद है, बहुत अच्छा है ये वाला। सर ये काफ़ी ट्रेंडिंग है सोफा हमारा सर, मांगने वाले तो चेस्टरफील्ड, अगेन फुल बैक में चेस्टरफील्ड आ रहे हैं इसके भी, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, मैं मांगने को मांग सकता हूँ 1 लाख रुपये भी मांग सकता हूँ ठीक है। इसका जो नेट प्राइस देंगे आपको फेदर फोम में आपको मिलेगा 65,000 रुपये, अगेन इससे और ज़्यादा नहीं है एक चीज़ क्योंकि मैं बोलूँगा हाँ जी कि अगर आपको ये क्वालिटी, ये डिज़ाइन इससे हाँ कम जी का ही मिल रहा है, तो मुझे प्लीज़ एक कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या पता मैं वहाँ जाके एक वीडियो बना सकूँ। सर, डिज़ाइन हर जगह बन जाते हैं मैं नहीं कहता हमेशा, लेकिन क्वालिटी सबसे बड़ी चीज़ होती है। जी अब यही सोफ़ा, मैं मार्केट का नाम नहीं लूँगा, दिल्ली में भी एक मार्केट है, वहाँ पे पार्क करके कुछ है, वो नहीं बोलते ना सर नाम नहीं हाँ, लेते, नहीं नहीं कोई नहीं आप एक बताइए वैसे। मार्केट नाम करके मार्केट है वहाँ पे, वहाँ पे सारी चीज़ें लोग आते हैं, आपको 15,000 रुपये के बेड भी मिलते हैं ठीक है। अब कीर्ति नगर में जाओगे आपको सेम बेड हो सकता है 60,000 रुपये का भी मिल रहा हो,
ठीक है, तो एक हम तो होलसेल प्राइसेस है, होलसेल क्वालिटी हमारी जो आगे हम देते हैं। देखो सर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनको ना थोड़ा चीज बताऊँ वीडियो में, अगर उनको लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ओवर बोल रहा हूँ, मैं बोल भी जाता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं सर पर मैं चाहता हूँ कि मैं नॉलेज ना एक प्रॉपर आपको बताऊँ। मेरे को लगता है कि बाद में पता लगता है मेरे को वो गलत थे, तो मैं बताया तो नेक्स्ट वीडियो में कि भाई वो गलत है, इसलिए मेरा सही नहीं लगा उनका। नहीं नहीं सर तो देखिए, क्योंकि जो बाद में बनी रहनी चाहिए वो जरूरी मैंने है। मेरा फर्ज है, मैंने बता दिया। हाँ आप जी वो नहीं मान रहे हो वहां से ले रहे, कोई दिक्कत नहीं, लीजिए आपकी पैसे आपकी हाँ चीज जी आप ले हाँ सकते हैं। हाँ उनको यूज करेंगे पता लगेगा कि मैंने क्या सुनिए, सही बोला होता है गलत बोला। हमारे साथ भी, कई बार लोग लेके आते हैं, एक साल बाद परेशान होकर हमारे पास बस आते बस हैं, बस होता है, बहुत बार ये होता है कितने ऐसा। का? सर ये वाला अल्फा वाला सेट है हमारा, इसको हम दे देंगे, कॉर्नर सेट है हमारा, 8.5 सीट होती है टोटल ये वाली, ये आपको दे दिया जाएगा 50,000 रुपये का टोटल सेट आपका, 50,000। 50,000 रुपीज़ में हैवी सेट है काफ़ी और अच्छा है। एल कॉर्नर, हाँ जी एक सेंटर टेबल, दो पफीस। दो पा अब फीस। जल्दी से ऊपर भी चले गए, उससे हाँ पहले जी व्हाइट वाला सोफा बहुत प्यारा लग रहा है ये वाला। सर, ये भी हमारे एनएल फैमिली का ही बुकिंग का सोफ़ा है। इस पर मैं आता हूँ अगर, इस पर मैं सारी गोल्डन की पाइपिंग दी हुई है, फैब्रिक अगेन मेटालिक नहीं है आपका, फैब्रिक है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है उस हिसाब से भी आपकी, आप देखेंगे अगर, ठीक है। लेग इसमें 3 तार वाले दिए हुए, हैवी लेग्स हैं, कलर बहुत अच्छा है, कुशंस में थोड़ा सा प्ले किया गया ब्लैक कलर में, देखिए आपके साथ में। प्राइसिंग पे आते सर, कोई टाइम वेस्ट करने जी वाली जी बात जी नहीं, जी 6,000 रुपये पर सीट बैठेगा आपके छः अगर हज़ार सोफ़ा। पर सीट और एक ये इसका भी बता दीजिए। हाँ जी सर, अगर कोई सर जैसे, अब मैं एक बात बताऊँ आपको, अब जैसे कोई 3+2 लेता है, अब आपके पास एक साइड की जगह बचती है, तो टू अकम्पनी दैट यू कैन टेक अ पेयर ऑफ दीज चेयर्स, ठीक है, ये अच्छी रहती हैं आपकी, ठीक है। हाई बैक भी कहते हैं इनको आपका, ठीक है, अच्छी रहती हैं इस हिसाब ना की ये वजह। लो बैक है ना हाई बैक हाँ है, ये अपना बीच का ही है। मीडियम रहता है, मतलब जो जिसपे कम्फर्टेबल आप देखेंगे, मैं इसे बैठ के भी अगर देखूँगा, ये कम्फर्टेबल रहती है काफ़ी चेयर्स आपकी, काफ़ी आजकल चलती हुई लोग मांगते हैं हमसे, तो इसको आप स्टडी में भी रख सकते हैं, मल्टीपर्पज़ हो जाती है आपके लिए, ठीक है, ठीक है। बाकी इसके प्राइस पे आते हैं, 22,000 रुपये का पेयर रहता है आपका, इसका 11,000 रुपये का 11,000 रुपये पर पर चेयर का चेयर। आपका। अब जल्दी से बेड की प्राइस बता देते, जैसे ये वाला रखे। सर ये बेड्स हमने पहले भी कवर करे हैं, ये अभी आपका 22,800 अभी का उनके है। बॉक्सेस भी दिखाएगा आपको। पहला कितने का? सर ये वाला 22,800 का रहेगा आपका। 22,800। हाँ जी, ये भी सर 22,800 में आ जाएगा आपका। ये हाँ जी हाँ जी, ठीक है, ये हमारा हमारा एनएल फैमिली का फेवरेट 25,000 रुपये टाइप का पच्चीस हजार रहता है। रुपये का वही हमारा हाँ जी हाँ जी, इटालियन इटालियन है ना। डिज़ाइन। हाँ जी हाँ अब जी जल्दी से पफीज रखी है, हाँ जी हाँ ऑटोमन जी रखे। मैं इसके बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहूँगा हाँ बताइए सर। कि ये बनी किस लिए थी? ये बनी थी हमें पैर रखने के लिए बनी थी, हाँ जी, एक फुट रेस्ट के लिए, कि चेयर के आगे लगा लिया, सोफे के आगे लगा लिया, आराम से राइट इसमें राइट राइट। पैर रख के इंसान बैठ सके। हाँ जी पर आजकल क्योंकि फैमिलीज भी बढ़ती जा रही है, फिर बढ़ती गेस्ट जा भी रही आते हैं, तो उनके लिए तब से ये सिटिंग वाली बना दी गई है। है। हाँ जी हाँ जी, पर ये बनी हमारी मेन रखी थी पैर रखने के लिए फुट रेस्ट के लिए हमारे, ताकि कोई बैठ रहे तो उस पर पैर रख के बैठ सके आराम आराम से, से। तो इसलिए बनी हाँ थी जी हाँ जी, पफीस। ठीक है, आजकल सर इवन जो हाई बैक चेयर्स बन रही है, लोग उसके सामने भी इनको रखवा के थोड़ा नहीं अकम्पनी करते हैं उसको। वो आजकल नहीं, वो पहले हाँ से चलता आ रहा है। हाँ जी हाँ जी ये हाँ जी, बनी उसी लिए थी, करेक्ट, आजकल यूसेज लोग मेन ये इसको था, एक सिटिंग पर्पस के सेटिंग लिए। पर्पज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं, हाँ काफ़ी अच्छे ठीक फिर है, भी। अब चलते हैं ऊपर वाले सेक्शन में हमारा। हाँ जी सर, अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में आ गए। पिछली वीडियो में भी सर कवर करा था, डबल फ्लैप चेस्टर बोलते हैं इसको हम, सबसे ज़्यादा जो डिमांड है पिछली वीडियो की, इस वाले सोफे की हमारी सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा, इसको हमने 400। थंबनेल भी शायद से यही डाला था। हाँ अच्छा। हाँ जी हाँ जी, इसी कलर में एक्चुअली में लोगों को काफ़ी पसंद आया वाला, ठीक है। इसमें हमने एक एल सीटिंग भी बनाई है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने प्रेफर करा एल सीटिंग भी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो में, ठीक है। कुशंस इसके अगेन हमने थोड़ा वी पाइपिंग में दिए हुए हैं, बैक पे इसके सिलाई है, ठीक है। बाकी सीट थोड़ी इसमें डबल की हुई है, थोड़ा डिजाइनिंग पार्ट के लिए, काफ़ी ट्रेंडी है सोफ़ा, अच्छा लगता है जी कल आपका। पिछली वीडियो में जो रेट था वही दिया जाएगा इसका, 6,500 रुपये पर सीट। बाप ने बोला कि एक सेम डिजाइन में एल हाँ जी शेप बनाया गया। हाँ सर, वो हम आपको आगे दिखाएंगे, अब बिल्कुल। एक छोटी सी एक चीज़ पूछना चाहूँगा, हाँ जैसे जी आप हाँ जी बता रहे थे कि कुछ बताया गया कि किस तरीके का सोफ़ा लेना चाहिए। अब हाँ जी 3+2 कहाँ रखना चाहिए, एल शेप कहाँ रखना चाहिए? सर, देखिए 3+2 अगर आपकी, सबसे पहले जगह है, आप देखिए आपकी जो रिक्वायरमेंट है जहाँ पे, ठीक है, अगर आपके पास प्रॉपर एक स्पेस आ रही है, कम से कम आपके पास जगह होनी चाहिए 8 फुट बाय 6 फुट की मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, अगर इतनी जगह आपके पास है आप गो फॉर एल सीटिंग एनी डे, ठीक है। अब आपको 5 सीटर रखना है, यहाँ पे जगह की रिक्वायरमेंट अलग हो जाती है, अच्छा। ठीक है। अगर आपके सामने बैल्कनी आ रही है एक साइड, अब मोस्टली से फ्लैट्स होते हैं आजकल जो न्यूली डेवलप हो रहे हैं, अब फ्लैट्स में अगर आगे बहुत लोग करते हैं सब, मेरे को पर्सनली अच्छा नहीं लगता, लोग करते हैं वो अपनी बैल्कनी वाली साइड ब्लॉक कर देते हैं, सोफा थोड़ा आगे रख लेते हैं, ठीक है, उससे 100 गुना अच्छा है सर। अब वहाँ पे ना जो चेयर्स दिखाई थी हमने हाई बैक वाली, हाँ यू गो फॉर दैट, ठीक है। अब 2 चेयर वहाँ रखी है, आपकी जगह उतनी रही, 2 सीटर सोफा लगता, 2 सीट्स आपकी चेयर वहाँ पे आ गई, ठीक लेकिन है आपका ओपन पैसेज बना रहेगा वहाँ पे, ठीक है। ठीक है। सबसे बड़ा जो पॉइंट आता है ये आ जाता तो है। मुझे क्या लगता है कि अगर हाँ जी, आपके अच्छी खासी खुली जगह है तो 3+2 लीजिए, 3+2 बहुत अगर अच्छा है। छोटा कमरा है और आपको 3+2 रखेंगे तो चलने की स्पेस नहीं मिलेगी, वॉकिंग एरिया नहीं हाँ जी मिलेगा, हाँ जी, तो उसके लिए सबसे बेस्ट रहता है एल शेप, एल छोटे शेप कमरे के लिए। थोड़ा सा स्पेस सेविंग हो जाता है हाँ आपका, स्पेस लेकिन सेविंग होता है। जो
मजा आते से इसमें थोड़ा मेरे ख्याल से ज्यादा आता है. अब जो मेरे ख्याल से ट्रेंड आ रहा है विद चेंजिंग टाइम, हमारा एल सीटिंग कम होएंगे, अब 3-2 का ज्यादा ट्रेंड आ रहा है फिर से. देखते जगह लोगे बस, हुई अच्छी खासी तो होएगी पक्का. बिल्कुल ये वाला से ये भी हमारा काफी अच्छा सोफा चल रहा है. पूरा कॉम्बो देते हैं 44,000 का. बर्फी सिलाई सीट पे है, चेस्टर पीछे है इसमें. ठीक है 44,000 का. हाँ जी जी. टेबल पफी साथ में इसके. अच्छा ठीक है. और ये वाला, ये सर एक नया सेट हमने इंट्रोड्यूस करा है. पाइपिंग मॉडल है हमारा. कॉर्नर सेट है, काफी अच्छा सेट है. ठीक है, घर में रखने के हिसाब से लेग्स इसमें हमने अपनी ब्लैक वाली दी है 5 inches में इसकी. ठीक है, इसको स्टार लेग कहते हैं हमारी. कॉर्नर सेट है, 8.5 सीट आते हैं, 40,000 रुपए का पूरा सेट आपका. 40,000 स्वेड नॉन टेक्सचर फैब्रिक है इसमें. ये वाला सर अभी हमारे वर्सेटाइल सेट पे आते हैं. इसमें हम जैसे देखेंगे, नाम नहीं लेंगे, लेकिन अब जैसे लोगो आ गया इसमें हमारा, जो इसमें हमारा पाइपिंग का काम भी आ गया. कुशंस में थोड़ा प्ले किया गया है, जो इसके हम कुशंस दिखाएं. काफी डिजाइनर हैं वाले भी. ठीक है, लोगों को थोड़ा थोड़ा क्रेज होता है, दे वांट की डिफरेंट टाइप्स ऑफ, हमारे पास कुशंस आ जाते हैं थोड़ा, तो इसलिए हमने थोड़ा प्ले करा है इसमें. ठीक है, इवन जो पीछे जो कुशंस रखा है उस पर भी हमने थोड़ा पाइपिंग काम किया हुआ है इसमें. कलर बहुत अच्छा है आपका ये वाला भी, लाइटिश में थोड़ा आपका ब्राउन में आ जाता है वाला. ठीक है, बाकी इस सेट पे भी हम आए, इसकी डिमांड विद टेबल पफीज आपकी 40,000 रहती है. 40,000 अगर आप टेबल पफी नहीं लेते, 2 सीट के पैसे सीधे कम हो जाते हैं आपके. 10,000 कम हो जाएंगे. 10,000 रुपए कम हो जाएंगे. 30,000 का मिलेगा. 30,000 का पूरा सेट मिलेगा. हमेशा से सर हमारी ये रही है, हमने यहाँ पे अपना जो ग्रीन वाला हॉट सेलर वो भी आगे दिखाएंगे जो पहले चला आ रहा है. ठीक है सर, ये भी अभी ये वाला भी कवर कर लेते हैं. ये हमारा पूरा सेट है 40,000 रुपीज का. ठीक है, स्वीट लेदर फैब्रिक है इसमें अगेन. बाकी आगे चलते सर. एक चीज और बताओ मेरे को, ये जगह बहुत अच्छी लगती है आपकी ये वाली. हाँ जी, हाँ जी. आपने मेरे को बताया था ये मतलब काफी 70 साल पुरानी कम से कम जगह है. आपने 70-80 साल पुरानी आपने बताया था, जो बना हुआ तब से बना हुआ है ये. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यारा लगता है ये जो आपका आर्च आ रहा है ये वाला, एक बहुत प्यारा लगता है सर. एक्चुअली यहाँ पे बहुत पहले हमारी आइसक्रीम की फैक्ट्री हुआ करती थी. अच्छा अच्छा, तो थोड़ा स्ट्रक्चर के हिसाब से बना हुआ है. काफी अच्छा. बाकी जो आप हम जहाँ खड़े हुए हैं ना, एक्चुअली ये पूरा वुडन स्ट्रक्चर है. हाँ, लक्कड़ है जिसपे हम खड़े हुए हैं यहाँ पे भी. मतलब बोल सकते हैं ब्रिटिश एरा का है ये बना हुआ. उतने टाइम से पुराने ही है ना, अभी इतने पुराने पुराने गेट भी है. हाँ जी, हाँ जी. ठीक है, तो चलते हैं आपके दूसरे वाले सेक्शन पर. हाँ जी सर, अब हम नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं. थोड़े से 3+2 आपको सेट्स दिखाएंगे. जैसे मैं बता रहा ट्रेंड बदल रहा है फिर से, 3-2 पे ज्यादा आ रहा है अपना. तो ये वाला सेट सबसे पहले आते सर जी. ठीक है, ये हमारा पिछली वीडियो में हमने एल सीटिंग कवर करी थी सर, आपको याद हो. काफी अच्छा चला वो वाला भी सोफा. अब हम इसको 5-सीटर में लेके आए हैं. फ्लैप सोफा इसका नाम रखा हुआ हमने. 6,000 रुपए पर सीट है सोफा देंगे आप. 6,000 पर सीट में, और काफी अच्छा, काफी ज्यादा काम करा हुआ सर. फैब्रिक बहुत अच्छा है, मेंटेनेंस के हिसाब से स्वेड लेदराइट है. ठीक है, हमेशा मैं ये बात कहता हूँ, स्वेड लेदराइट प्रेफर करोगे तो घर में, अगर बच्चे हैं, टिप है, अगर घर में बच्चे हैं तो स्वेड लेदराइट पे जाओ. गंदा होता आराम से साफ, तो आराम से साफ हो जाता है, सबसे बड़ी बात ये होती है. ठीक है, तो ये मिल रहा है अभी 6,000 पर सीट में. ठीक है, 30,000 का अभी ये 3+2 मिलेगा आपको. सर थोड़ा सा अभी जैसे एक सेट किसी को ऑर्डर के बना हुआ वाला, अभी थोड़ा सा लग्जरी एंड में आ जाता है वाला. आपने अच्छे अच्छे शोरूम्स में देखा होगा वाला. 10,000-11,000 सीट मांगते हैं इसके. ये सेट हम टोटल आपको दे देंगे 40,000 रुपए का. 40,000 में, 40,000 का. इसमें जो आपसे रॉड देख रहे हैं ना, इवन ये वाला, ये 2,500 रुपए का सिंगल रॉड है वाली आपकी. अच्छा, तो यानी कि 10,000 रुपए की तो इसमें रॉड रॉड ही लगेंगे आपकी. ठीक है. हाँ जी, हाँ जी. अगर ये रॉड हटवाते हैं तो सर वही सबसे पैसे कम हो जाएंगे आपके. 10,000 रुपए कम होके हमारा 30 के राउंड बैठेगा. 30,000 का 3+2 मिल जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल. ठीक है, तो बाकी स्टिचिंग देखें इसका, पीछे भी सेम हमारा स्टिचिंग का काम चल रहा है इसके बैक में. ठीक है, अच्छा बैक पर भी, हाँ बैक पे भी, आउटर बैक में भी ये मिलेगा स्टिचिंग वर्क. ठीक है, अब एक ये डिजाइन है ये. हाँ जी, हाँ जी. मार्केट में बहुत दिखता है, सेम कलर बहुत दिखता है. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. पर इसमें आज थोड़ा शेप का अलग है, थोड़ा शेप अलग है मार्केट से. थोड़ा अलग नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा. कुछ चेंजेस करते रहते छोटे छोटे से, बताइए. ठीक है सर, कलर काफी अच्छा है, कॉन्ट्रास्ट काफी चल रहा है वाला, ट्रेंडिंग है आपका आजकल सर. मेजरली जो घर बन रहे हैं, जो हमारे पास लोग आते लेने, ग्रे की थीम ज्यादा चल रही है, जो कि किसी छुपी बात नहीं है, ग्रे की थीम ज्यादा चल रही है. तो उस हिसाब से ये जो सेट्स हम बना रहे हैं, ये एज इट इज पिकअप करने के लिए होते हैं. लोगों को, कई लोगों को समझ नहीं आता कि सर क्या कॉन्ट्रास्ट लूँ, क्या कलर लूँ, तो वो चीज़ हम गाइड कर देते हैं, क्योंकि हम रोज के काफी सेट बना रहे हैं. तो वो चीज़ भी है. अब इसमें जो आपका ये आ रहा है सारा, जो पाइपिंग का वर्क आ रहा है, पाइपिंग नहीं, बेसिकली कपड़ा होता है, फैब्रिक है, लेदर आइट हमारी, गोल्डन फैब्रिक होता है हमारा. तो ये थोड़ा हमने हाईलाइट में दिया होता है इसमें, सारा पाइपिंग घूम रही होती है ऊपर, और कंफर्टेबल रहता है सेट. ठीक है, अब शेप कैसे अलग है मैं आपको बता दूं. हाँ जी, कि आप ये देख रहे हैं ये स्लांट आ रहा है और ये सीधा आ रहा है. मार्केट में क्या होता है, यहाँ से और ऐसे आ जाता है बाहर को, तो हमने थोड़ा सा उसमें सीधा ही रखा. ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है सर. वो एक्चुअली उसका रीजन बताता हूँ आपको.
जो स्ट्रक्चर होता है ना, जब हम उसको ऐसे टेढ़ा बनाते हैं तो उसमें स्ट्रेंथ कम होती है। अच्छा अब हम नीचे उसको ले रहे हैं तो स्ट्रक्चर में थोड़ा फर्क आ जाता है, स्ट्रेंथ अच्छा वाइज भी। देखिए सर, सबसे बड़ी चीज़ होती है लाइफ। चीज हम जैसी मर्जी बना दे, उसकी लाइफ ही नहीं तो क्या फायदा। ठीक है, तो ठीक कितना है ना। रुपये सीट अभी है? सर ये वाला भी हम 7,000 रुपये पर सीट दे देंगे 7,000 आपको पर सीट। और ये थंडर बेड जैसे ऑन ऑर्डर बना हुआ है हाँ अभी? सर। ये भी किसी को और, अब किसी का सर क्वेरी होती है, सर मेरे पास स्विच बोर्ड की जगह नहीं है, साइड में मेरा स्विच बोर्ड ढक जाएगा, तो हम क्या करते हैं सर, आपको एक स्विच बोर्ड जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे आपको दो स्विच चाहिए, दो सॉकेट चाहिए, उस हिसाब से आपको कटिंग कर दे देते हैं बोर्ड की, ठीक तो यू है कैन गेट द कनेक्शन पीछे से ठीक अपना है। उसमें। अब चलते हैं हमारे बेड वाले सेक्शन में, तो हाँ जी बेड सर के प्राइस और डिजाइन वहीं करके बिल्कुल बात। सर बिल्कुल सर। एक थोड़े से सेट रह गए थे 3-2 में, आपका अगर थोड़ा बजट फ्रेंडली में आपको चाहिए तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा पाइपर सेट कहलाता है, ठीक है, काफ़ी ट्रेंडिंग है, आपने देखा होगा, काफ़ी मतलब चलता है फ्लैट्स वगैरह में वाला, ठीक है। इसका जो लेग देखेंगे, मेटालिक आपका कैप होता है नीचे, वुडन लेग होती है आपकी, ठीक है। ठीक है। 5 सीटर होता है, 3+1+1, पाइपिंग सेम कलर में, पीछे बर्फी सिलाई, बाकी नॉर्मल रहता है इसमें। ठीक है, टोटल सेट की आस्किंग रहेगी, वैसे हम 28,000 रुपये मांगते हैं, 25,000 रुपये का 3-1-1 आपको दे देंगे, 5 सीटर, फाइव 25,000। सीट ये HR फॉर्म में आपका, अच्छा HR फॉर्म HR में है, फॉर्म में आपका, ठीक है। ठीक है। इवन ये वाला भी आ जाता है आपका, ये भी 3+2 सेट है आपका, ये भी आपको सेम रेट में मिल जाएगा, ये कॉम्पैक्ट हो गया, स्पेस सेविंग होंगे, जिसके कॉम्पैक्ट आर्म है जी। काफी पतले हाँ हैं। जी, इवन दोनों से सेट ये हमारे दोनों में कॉम्पैक्ट आ जाते हैं, जहाँ थोड़ी जगह की कमी है आपको तो यू कैन गो फॉर दिस अपना। ये काफ़ी ट्रेंडिंग है सर, हमेशा से चला आता है वाला, इसमें मेटल का आपके वर्क आ जाता है आगे, ये भी 25,000 रुपये का सेट है आपका, 5 सीटर, 3+2 आपका, ठीक है। ठीक है, आप चलते हैं बेड सेक्शन पर। सर अब बेड्स पे आए थे हम, हमारे बेड्स के सर डिज़ाइन वही है, कुछ नए डिज़ाइन इंट्रोड्यूस करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे, होलसेल का जैसे हम हमेशा कहते हैं, आपको असली मतलब दिखाएंगे आज, ठीक ठीक है। है। सर ये वाला डिज़ाइन है हमारा, शनैल के नाम से हमने डिज़ाइन निकाला हुआ है अपना, ठीक है। ये हम फ्रंट हाइड्रोलिक आता है इसमें, अब बहुत सारे व्यूअर्स की दिक्कत होती है, वो हम जैसे साइड हाइड्रोलिक देते हैं हम, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें आपका डबल पीस जैसे ये वाला मैट्रेस रखा हुआ है हमारा, ठीक है। ये तो आपका उठ जाएगा, क्योंकि हाफ में आपका हाइड्रोलिक है, ये पीस उठ गया, आपका गद्दा ऊपर चला गया। अब सिंगल पीस मैट्रेस लोग प्रेफर करते हैं आजकल, क्योंकि उसमें डिवीजन बीच में नहीं आता, उसका भी आपको रीज़न बताया तो, ये जो डोरिया आती है ना चुपती है सोते हुए, ठीक है, जो कि प्रैक्टिकल बात है, कोई छुपी हुई बात नहीं है, ठीक है। तो आप सिंगल पीस मैट्रेस ले रही है तो फ्रंट हाइड्रोलिक का प्रेफर कीजिए, पूरा ऊपर चले जाता है आपका, कंफर्टेबल रहता है आपको, ठीक है। मैट्रेस हटाने की जरूरत नहीं है, अगर दिखा हटाने सकते की हैं अभी जरूरत। हटाकर? हाँ जी, ये हैवी तो होता है डेफिनेटली, अभी ये अगर हटाकर दिखा सकते, खोल कर दिखा सकते हाँ हैं? सर, मैं अगर आपको खोल के दिखाऊँ, ये आपका ठीक है, सिंगल पीस में आपको उठ जाता है वाला आपका, ठीक है, ठीक वापस कर है। दीजिएगा, ये बंद कर, थोड़ा वैसे बंद नहीं होगा। अच्छा, आपका बैक का है, हाँ सॉरी सर, बैक, कोई दिक्कत नहीं, कोई मत फोन करिए, हाँ आपका सर, बता दीजिए अभी क्यों बंद नहीं कर सकते, नहीं कोई बात कि सर को बैक प्रॉब्लम नहीं, है हाँ सर, तो नहीं कर सकते। हाँ सर, ये अब हम बॉक्स की क्वालिटी पे आ जाते हैं सर, अगेन आपको मैन्युफैक्चरिंग भी ऊपर लेके जाऊंगा अभी मैं, हमेशा लेके जाते हैं, जो बॉक्स की क्वालिटी स्टैंडर्ड है हमारी, ऊपर जो रहती है हमारी प्लाई 18 mm की रहती है आपकी, ठीक है, नीचे हमारी 15 mm रहती है इसमें, ठीक है, ठीक है। साइड्स हो गई, फ्रंट हो गया, पीछे हो गया, ये हमारा सारा कमर्शियल बोर्ड होता है 19 mm में, ठीक है। अब लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं हम पूरा बेड बना रहे हैं 18 mm में, 18 mm में, पूरा बेड ही कमर्शियल बोर्ड में बना देते हैं, अच्छा, तो वो हमारे हिसाब से बहुत ही बेकार की प्रैक्टिस है, ऊपर नीचे हमेशा प्लाई होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो वजन होती है ना वो मुड़ जाती है विद टाइम, अगर आप कमर्शियल बोर्ड लगा रहे हैं वो थोड़ा टेपर में हो जाता है, ठीक है, तो उसकी लाइफ अच्छी नहीं है, ठीक ये है। चीज़ सावधान देने वाली अब जैसे है। कि आप ये फ्रंट ओपनिंग दिखाया, हाँ ये जी बेड कितने का है अभी? सर ये वाला बेड हम फ्रंट ओपनिंग वाला हाइड्रोलिक लगाकर मात्र 38,000 में दे रहे हैं, 38,000 में ये वाला होलसेल बेड, प्राइस है सर ये बेड 38,000, ठीक है। और ठीक है अगर सर, ये हाइड्रोलिक हटाते तो सर 6,000 रुपये कम हो जाएंगे सीधे सीधे, 32,000, 32 का 32,000 से ग्लास वर्क भी मिल रहा है साथ में आपको, ग्लास वर्क मिल रहा है, 9 फीट है। अगर सिंपल होता जैसे ये हाँ वाला है बेड, ये साइड ओपनिंग 6 फीट होता तो कितना रहता है? 6 फीट में आपका 22,800 का, 22,800 का ये ऐसा बेड, हाँ ठीक है। और ये वाला सर ये हमारा पियानो मॉडल हिट बेड है अपना, ये वाला भी इसी कलर में बहुत जाता है, 6 फीट में बहुत पसंद करते हैं लोग, डिस्प्ले में ये भी लगा हुआ है ऊपर, ठीक है। ये हमारा 34,000 का था पहले भी, वही प्राइस है आपका, ठीक है। हाइड्रोलिक लगा के दिया जाता है साइड वाला हर हमारे बेड में, वो हाइड्रोलिक के प्राइस हाँ जी इंक्लूड रहते हैं उसके अंदर, अगर आप कभी हटवाना चाहते हैं तो उसके पैसे तो वैसे माइनस हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत तो नहीं। 6 फीट का भी प्राइस बताते हैं, चलिए साथ साथ। और हाँ 9 फीट का भी सर, ये डिस्प्ले में लगा हुआ वैसे 22,800 का, 6 फीट सिक्स फीट में, ठीक है, विदाउट साइड टेबल, विदाउट साइड टेबल अगर एज इट इज लेंगे 32,000, 34,000 में आपके वाला। ये सर ये वाला बेड राउंड साइड टेबल आ गया इसमें, पिछली बार हमने कवर किया था, ये भी पिछली बार हम कवर नहीं कर पाए थे एक्चुअल में वाला, तो इस बार हम दिखा रहे हैं, थोड़ा चॉकलेट ब्राउन में इसकी पॉलिश हो रही है आपकी, थोड़ा सा अलग शेड बनाया है इसमें, ठीक है। आपका थोड़ा टेपर वाले बॉक्सेस हैं बॉर्डर वाले इसमें आपके, ठीक है। जो बीच में आ रहा है आपका SS का स्ट्रिप आ रही है, थोड़ा जो बीच में आ रहा है सारा कंप्यूटराइज सिलाई है, हाथ की कोई सिलाई नहीं इसके अंदर, सारा स्टिचिंग वो कंप्यूटराइज है आपका,
₹500 सर मीटर इसकी सिलाई का लगता है सिर्फ। अच्छा, 500 रुपये मीटर मीटर जो कि लोग हाथ से कर लेते हैं। ठीक है ठीक है। राउंड साइड टेबल से बहुत हैवी है, इस पे भी आपका क्विल्टिंग का काम हो रहा है। पूरे सेट की जो आपकी आस्किंग रहती है पिछली वीडियो में थी 42,500, इस वीडियो में स्पेशल प्राइस इस पे 39,000 का दे देंगे। 39,000 और 6 फीट लेते हैं 22,800। 22,800 मैं कहता हूं क्वालिटी की बात ना ऊपर चलेगा आपके, मतलब क्वालिटी की बात ऊपर करेंगे आपकी वर्कशॉप में। हां सर, अभी जल्दी डिजाइनर प्राइस दिखाते हैं बस। ये फुटबॉल जैसे अभी दिखाया था, फुटबॉल डिजाइन मेरा सबसे हिट डिजाइन है वाला भी। हाँ हाँ सॉरी। अच्छा सर, इसमें क्या होता है, हम जो नॉर्मल करके देते हैं वो डीको करके देते हैं आपका। ठीक है ठीक है। जो सब बेड्स में होते हैं ग्रे कलर का डीको है आपका। ठीक है ठीक है। इसमें अंदर भी अच्छी खासी क्लियरेंस होती है, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर कोई कहता है सर मेरे को माइका चाहिए, लैमिनेटेड बॉक्स चाहिए पूरा, तो इसमें 6,000 रुपये में फालतू लेते हैं, पूरा आपको लैमिनेटेड बॉक्स मिल जाता है। अंदर भी पूरी लैमिनेट होती है, बाहर भी पूरी लैमिनेट होती है। और हाइड्रोलिक तो आपको हर बेड में मिलना है, हाइड्रोलिक सब में मिलेगा। एज इट इज जैसा ये बेड रखा हुआ है, जो भी कुछ लगा हुआ है, तो क्या प्राइस रहता है टोटल का? मांगने वाले 50,000 रुपये, देने वाले 38,000 रुपये, होलसेल प्राइस है आपका 38,000 माइका लगाकर। और लोग माइका हटाते हैं तो 32,000 का मिलेगा, 32,000। साइड टेबल हटाते हैं तो हमारा 22,800। और ये वाला सर, ये हमारे एक नया मॉडल हमने निकाला है। हाँ। ये हमारा वैसे तो सूरज वाला मॉडल कहते हैं इसको। इसका जो मेन हाईलाइट है सर, इसकी जो पैर वाली साइड है, आप ये देखेंगे ना इसका बॉर्डर आ रहा है, काफी खूबसूरत लगता है वाला भी, काफी अच्छा रहता है, कलर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन निकल गया है। ठीक है, इस प्राइस इसका आते हैं 25,000 का बैठता है आपके वाला। अच्छा, ये 25,000 का मिलेगा, 25 का है, क्वालिटी सब में सेम है आपकी। ठीक है, जनरली जो 6 फीट मिलता था 22,800 होता था, पर ये सिर्फ 25,000 रुपये। बिल्कुल सर, कूद के नहीं दिखाऊंगा, 5 साल की वारंटी सब में, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, ऑन पेपर आपको लिख के दिया जाएगा कि आपको क्या क्या बेड में लगा कर दिया जा रहा है, सोफे में क्या लगा कर दिया जा रहा है, क्वालिटी क्या दिए जा रही है, और कितने साल की वारंटी मिल रही है। जी सर, कंप्लीट 5 ईयर्स की होती है आपकी, एक्सेप्ट फैब्रिक, फैब्रिक आपके पर्सनल यूज के ऊपर। ठीक है, ये वाला सर, अब ये वाला थोड़ा लो हाइट वाला आपका बेड होता है, लो फ्लोर। हाँ जी, लो फ्लोर होते हैं, जो नॉर्मल हाइट होती है हमारी 18 इंच की होती है। ठीक है, इसमें हमारी लगभग 16 इंच 15 इंच के आसपास हम रखते हैं इसमें। ठीक है, इसमें हमने आगे भी आपका फैब्रिक दिया हुआ है, साइड्स में भी फैब्रिक दिया हुआ है, बर्फी का CNC कटिंग में काम दिया हुआ है इसमें साइड में। 32,000 रुपये का पूरा सेट रहता है आपका वाला। ठीक है, और 6 फीट वही दोबारा 22,800 का। 22,800 सर, फटाफट डिजाइन दिखाएंगे और रेट बताएंगे, क्वालिटी सबकी स्टैंडर्ड है। ये भी सर आपका 32,000 रुपये का सेट बैठता है, 9 फीट है हमारा, ये 9 फीट में हमारा। किसी का 6 फीट को ही लेगा, ऊपर पड़ा है 22,800 का बैठता है, 22,800 का ये वाला। सर कुछ ऊपर बेड्स नए लगाए वो कवर करते हैं जरूर, पहले एक बार इसका प्राइस बताते हैं सर। ये भी हमारा रोलेक्स बेड कहलाता है, 32,000 रुपये का ये भी बेड है, और आपने आज बहुत कुछ बताना है, जैसे आप क्वालिटी की बात करेंगे। हाँ जी सर, अभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लेके चलेंगे। हाँ सर, अभी बस ऊपर ही हमारे उसे रेन हाउस है सारा, बनता सब यहीं पर, यहीं से जाता है। ठीक है, तो आप जल्दी से प्राइस बताते हैं। कल तो ये बड़ा प्यारा लगा, जो आपका बहुत चलता था पिंक में। हाँ सर, ये हमारा लाइट पिंक में बहुत कलर चलता है वाला, रेड में ये भी ऑर्डर के ही बैठे किसी का, रेड कलर में उन्होंने बनवाया हुआ वाला। कितने का? सर ये 22,800 का ये वाला। हाँ सर, इस पर से थोड़ा सा डिस्प्ले अलग लगाया, सारे फुल फैब्रिकेटेड में लाए, इनमें पॉलिश कहीं पर भी नहीं आपकी, एक्सेप्ट आपका ऑब्वियसली टॉप पे है। ठीक है, बॉक्स के अंदर है, ये एक नया बेड है, नया डिजाइन, आपने कहीं नहीं देखा अब तक आई थिंक ये वाला बेड। नहीं देखा, नहीं देखा। तो ये हमने नया डिजाइन इंट्रोड्यूस करा है, काफी अच्छा चल रहा है। ठीक है, जो ये बीच में आपका रैक्सीन है, गोल्डन कलर की रैक्सीन है, रिंकल फ्री लगाई जाएगी इसमें आपकी। ठीक है, ये वाला जो बेड है आपका, इसमें हमने क्रीम डीको करा हुआ है। अब डीको में भी बहुत क्वालिटी होती है सर। अब जैसे मैं ये वाला बेड दिखाऊँ, ये भी ऑर्डर का एक बेड है, किसी ने करवाया। ठीक है, तो ये होता है थोड़ा लोअर क्वालिटी वाली चीज होती है। ठीक है, ये डीको नहीं होता आपका, ये अस्तर होता है, एक तरीके से प्राइमर कहते हैं जिसे, प्राइमर होता है बेसिकली। ये पॉलिश आपका थोड़ा हल्का होता है, फिनिशिंग नहीं होती इसमें, इस चीज में आपकी। अब ये वाली जो हम क्वालिटी दे रहे हैं डीको होती है। ठीक है, डीको ये प्रॉपर पेंट होता है। ये क्वालिटी सब लगा के आपका 18 ऊपर नीचे 15 mm आपको 25,000 रुपये का बैठेगा आपका पूरा, और 22,800 नॉर्मल प्राइमर, नॉर्मल प्राइमर वाला। ठीक है ठीक है सर, अब ये वाला भी फुल फैब्रिकेटेड वाला बेड है आपका, काफी ट्रेंडिंग है वाला बेड भी अपना, इसी कलर में बहुत अच्छा चलता है, ये भी आपको 25,000 का देंगे आपको। ठीक है, अब सर जो प्राइस बता रहे हैं, जो क्वालिटी दिखा रहे हैं, हाँ, अगर आपको लगता है इनमें कुछ चेंजेस करना चाहिए, प्राइस कम करना चाहिए, क्वालिटी अपग्रेड करनी चाहिए, जो आपको समझ आ रहा है क्योंकि आप और भी वीडियोस देखते होंगे, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर इसमें क्या अपग्रेड कर सकते हैं, क्वालिटी में या प्राइस में क्या कम कर सकते हैं, जरूर बताएं एक बार कमेंट बॉक्स में। वेलकम फॉर सजेशंस। अदरवाइज एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको अपग्रेड करना, डिग्रेड करने वाला तो मैं मामला करूंगा ही नहीं। हां मैं खुद ही मना करता हूं सर, इससे नीचे से हम नहीं लगाएंगे। अपग्रेड करना है फुल प्लाई में बनवाओ। अभी हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे प्लाई लगाते हैं, बाकी कमर्शियल बोर्ड होता है, आपको पूरा प्लाई में चाहिए, फुल 18 mm की प्लाई में आपको बेड दूंगा, मात्र 2,500 रुपए का फर्क लूंगा आपसे, सिर्फ
पूरे बेड में 2.5 के एक्स्ट्रा ले गए पूरे बेड में है ना। और आप नॉर्मल बेड की जो अपने दे रहे हो 5 इयर्स वारंटी दे रहे हैं 5 इयर्स होती है तो जो पूरा प्लाई वाले की क्या वारंटी देंगे सर उसकी? आप देखो 5 में दे रहा हूँ मुझे पता है 10 साल कहीं नहीं जाना। अच्छा सीधी बात है उसकी भी आप 7 साल ले लो सर कोई ऐसी बात अच्छा, मतलब बड़ा है जाएगा 10 साल भी कहीं नहीं मुझे पता है। अगर 2500 रुपए बढ़ाते हैं 2 साल की वारंटी एक्सटेंड हो जाती है। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो ये बेड बताइए सर ये चेस्टर में बेड आता है बहुत ही ट्रेंडिंग बेड है अपने वाला ठीक है। इसका आप जो देखिए ना सर पीछे जो वर्क भी है इसकी फोमिंग काफी मोटी है नॉर्मल नहीं है जो आप देखते हैं मार्केट में। बहुत ही क्लीन फिनिशिंग है इसकी चारकोल आपका ग्रे कलर है वाला ठीक है। साइड्स में भी फैब्रिक मिलेगा आगे भी फैब्रिक है ऊपर डीको हुआ है इसमें। आप मार्केट में सर आपको पता है अगेन इसके 30,000-32,000 रुपए कुछ भी मांगते हैं मैं 25,000 रुपए मात्र में आपको ये वाला भी दूंगा ठीक है। अब ये बहुत अच्छा कलर लग रहा है वाला सर ये बहुत कैची कलर है अपना ठीक है। इसमें साइड में हमने पॉलिश करी है बॉक्सेस के ना फैब्रिक नहीं है बाकी आपका जैसे है डिजाइन बहुत अच्छा चल रहा है वाला अभी ठीक है। 22,800 का आपको इसका रेट पड़ेगा ठीक है। और इसके साथ में रखा जो सर ये वाला वेव बेड है पहले भी कवर करा है 22,800 वाला भी काफी अच्छा चलता है अभी। ये वाला बेड आपके पास पहली बार देख रहा हूँ मैं। हाँ तो सर ये हमने नया इंट्रोड्यूस करा है इसमें जो पॉलिश पे देखे है मैंने पर आपके पास पहले बार देख रहा हूँ। हाँ सर लेकिन फिनिशिंग देखिए अब हमारी जो हमने थोड़ा इंट्रोड्यूस करा है फिनिशिंग फैब्रिक जो फैब्रिक भी है इसमें 350 रुपए मीटर वाला फैब्रिक है टेक्सचर्ड स्पेड है वाला आपका ठीक है। पॉलिश की फिनिशिंग मेलामाइन है सारी आपकी वाली ठीक है। इवन बॉक्सेस पे आपको सेम मिलेगा ठीक है। बाकी हाइट इसकी 5 फुट है राउंड में सारा वुडन वर्क आ रहा है आपका ये मांगने वाला 30-32 हज़ार रुपये देने वाला 26,500 ठीक है। अब एक बार हाँ। साइज का एक बार क्लियर कर देते हैं जो विद साइड टेबल्स का क्या साइज रहता है बैक का और जो हमारी नॉर्मल सर। हाँ जी हाँ जी विदाउट साइड टेबल्स गाइड करता हूँ सबको ये चीज़ भी। अब जो बेड आता है सर अब हाँ। आपका ना सर जो मेजर प्रॉब्लम रहती है कस्टमर्स के साथ स्विच बोर्ड की रहती है ठीक है। अब किसी का स्विच बोर्ड अगर अटक रहा है एक तो हम सोल्यूशन जैसे हमने पहले दिखा दिया यहाँ पे हम कटिंग देके स्विच बोर्ड दे देते हैं अगर आपको वो चीज नहीं चाहिए ठीक है तो देन यू कैन गो फॉर 6 फीट वाला इसका। इतना पीस आपका ऊपर का कट जाएगा और ये जो अलग से हमने साइड टेबल दी हुई छोटी वाली आप ले सकते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये जो हमारा सॉरी पेयर रहता है ये 6,000 का हमारा पेयर रहता है साइड टेबल्स साइड टेबल्स वो अलग लेना पड़ेगा। 22,800 के बाद अगर साइड टेबल्स लेते हैं तो 6,000 रुपए का पेयर होता है देना पड़ेगा आपको। 6,000 का पेयर देंगे आप पेयर से पे कमर्शियल बोर्ड में सर आपका वो नहीं कि हम बरूदे वाला बोर्ड या पार्टिकल बोर्ड में दे रहे हैं और ऊपर से पॉलिश भी प्योर रहेगी अपनी शैम्पेन कलर ठीक है। तो वही हो गया कि 6 फीट विदाउट साइड टेबल्स बेड रहेगा तो आपका 6 फीट रहेगा विद साइड टेबल्स आप 9 फीट ले सकते हैं या 6 फीट के साथ अलग से छोटी साइड टेबल्स ले सकते हैं बना सकते हैं। बाकी एक ये भी ऑर्डर का बेड बना हुआ है हमारा ये भी त्रिपुरा जाना है हमारा ये भी सारा आप देखेंगे मेटल का वर्क हो रहा है पहाड़ वाला डिजाइन कहते हैं इसको हम अपना अच्छा। काफी अच्छे कलर में एक ये वाला डिजाइन है हमारा ये काफी चलता है हमारा शैम्पेन पॉलिश में होता है ये अच्छा ये अलग अच्छा, है वाला। ये हमारी वो है वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है ये हॉरिजॉन्टल में आ जाता है थोड़ा सा गंदा हो रहा है बस कोई दिक्कत नहीं। ये कितने का तो हमारे हर वीडियो का शो स्टॉपर ही रहता है और इसी जगह पर सेम डिजाइन मिलता है बस कलर हमेशा अलग मिलता है। बिल्कुल सर ये हमारा सबसे टॉप सेलर है जैसे मैं हमेशा कहता हूँ हमेशा 4 में से 1 बेड हर किसी का ये होता है ठीक है। सर डिजाइन भी अपने में बहुत अच्छा है काफी अच्छा रहता है वाला साइड्स में भी हम सेम इसकी ये वाला जो वर्क होता है डिजाइनर कुछ नहीं होती है साइड में डिजाइनर बेड है आपका सारा। तो प्राइस प्राइस सर वही से हमेशा से दिया जा रहा है 34,000 रुपए आपका 34,000 विद साइड टेबल्स विदाउट साइड टेबल्स 22,800 एक ये वाला आ गया। सर एक ये नया डिजाइन निकाला हमने। अब सर क्या होता है ना जो हम अब जो मैं ट्रेंड देख रहा हूँ मार्केट में वो ये हो रहा है कि मेटल आपको ऑफ हो रहा है जो मेटल स्ट्रिप्स लगाते हैं वो मार्केट से जाते जा रहे हैं। तो इसमें हमने वही चीज करी सर थोड़ा प्ले करा हुआ है ये जो है आपका ना ये सारा पॉलिश है। अच्छा ये आपका कोई मेटल या कोई वो चीज नहीं वुडन वुडन है आपका हमारी है ना ठीक है। तो इसमें ये होता है सर मेटल में देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा दिक्कत आती है कि कुछ सालों बाद एडहेसिव से चिपके हुए तो निकल जाते हैं कलर में भी थोड़ा फेड हो जाता है हाँ ना। तो ये हमारी लकड़ में दी गई है ये वाली हमारी बिडिंग से वाली लकड़ में दी गई है उस पे पॉलिश करी गई है। इवन इसका फैब्रिक बहुत अच्छा लगा हुआ है काफी अच्छा लोगों को पसंद आता है सेम कलर में और ये इस फैब्रिक को भी यही बोलते हैं मेटालिक फिनिश फैब्रिक को बोलते हैं। सर ये वाला बेड अगर आप हमसे लेते हैं 22,800 का अगेन पड़ेगा ठीक है। ये भी 22,800 का हाँ जी। अब फ्रंट पे भी सेम अच्छा वही बॉर्डर दे रखा है जो लकड़ का हाँ जी वो यहाँ दे रखा है। अब क्वालिटी की बात करते हैं जो आप कहते हैं आपकी हाँ जी फैक्ट्री चलते हैं वहाँ दिखाते हैं जो कि आपके इसी फ्लोर के ऊपर है। हाँ जी हाँ जी जी चलिए। सर जैसे कि फैक्ट्री में पहले भी दिखा चुके हैं आज तो एक्चुअली ऑफ है ट्यूजडे हम शूट कर रहे हैं जैसे कुछ सामान तैयार हुआ पड़ा हुआ है जैसे कि हम पीछे के देखिए साइड्स रखी हुई हैं ये भी हमारा भी पॉलिश होके पड़ा हुआ था फिनिशिंग देखिए ये वॉलनट फिनिश में हमारा हुआ है सारा ठीक है। 1.5 इंची टक्कर में बना हुआ मोटा बॉक्स है आपका जो हम प्लाई लगाते हैं सर जैसे आप देखिए क्वालिटी बहुत ही फाइन रहती है ठीक है।
बाकी इवन जो हमारा टीक प्लाई लगती है उसकी थिकनेस भी अच्छी खासी रहती है, सारा क्वालिटी वाला काम होता है सर, कहने मतलब जैसे ये टीक प्लाई ये हैवान लगी हुई है। हाँ जी सर, ये जैसा कलर आप मांगेंगे इसमें, हाँ जी ग्रेन्स के साथ जो भी कलर मांगते हो वो आपको बिल्कुल मिल जाएगा सर, आप जैसे मर्जी से कस्टमाइजेशन किसी भी तरीके से। ठीक है, अब जैसे कुछ साइड्स वगैरह हमारे पास रेडी पड़ी हुई है वाली, जैसे रॉ अगर मैं दिखाऊँ सर, कुशन लगने से पहले क्या होता है, ये होता है सर आपका जो होता है ना जो एस एस की स्ट्रिप होती है, ये हम निकाल देते हैं, इस पे जो होता है ना एस एस की स्ट्रिप होती है, रैपर चढ़ा हुआ, जो भी रैपर चढ़ा हुआ स्टिकर लगा हुआ सर, आपका बोर्ड है कहीं पे भी आपका पार्टिकल बोर्ड है कुछ इस्तेमाल नहीं है, इवन ये जैसे रॉ पड़ा हुआ है आपका इस पे भी, ये सारे ऑर्डर के बेड्स हैं, सारा बोर्ड होता है। ठीक है, साइड टेबल्स वहाँ बनी हुई है, साइड टेबल पॉलिश हो गई, तो बाहर इसी के यहाँ बाहर पीछे इसके दीवार के पीछे पॉलिश होती है सब, अब थोड़ा ऑफ है, मैं दिखा नहीं पा रहा, सोफे की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो इसके पीछे इस बिल्डिंग के पीछे, पर आज जैसे कि आप बता रहे ट्यूसडे है तो छुट्टी है आज, हाँ जी हाँ जी है ना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी दिखा दी हमने, हाँ जी वो पहले भी हर बार दिखाई, हर बार काम होते हुए दिखाई पर आज नहीं थे, आज थोड़ा ऑफ तो नहीं, अब तो वापस चलते हैं डिस्प्ले में। सो जैसे मैं बता रहा था वही अपना जो पिछली वीडियो में काफी अच्छा सेट चला था डबल सीट वाला, उसी की हमने एल सीटिंग भी बनाई है वाली। ठीक है, ये भी आपका वही स्टैंडर्ड साइज है। ठीक है, फोम की क्वालिटी, फैब्रिक क्वालिटी हर चीज़ हम बता चुके हैं। ठीक है, अब जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका प्राइस पे आ जाते हैं सर, वही आपका 42,500 का बैठेगा आपका टोटल है विद टेबल एंड पफीज आपका, 8 सीटर जो आप कह रहे काउंट होगा, 8 सीटर है आपका। ठीक है ठीक है, बाकी ऑल इंडिया डिलीवरी फ्री नहीं होती है, हर किसी की क्वेरी आती है सर फ्री डिलीवरी है फ्री डिलीवरी है, नहीं ऐसा। ठीक है, जो भी आपका डिलीवरी चार्ज होता है दिल्ली एनसीआर का हमें हमेशा से फिक्स करा हुआ है, दिल्ली का 1500 रुपये पर आइटम रहता है आपका, नोएडा का भी सेम रहता है, गुड़गांव का 2000 रुपीज़ रहता है आपका, गुड़गांव और फरीदाबाद का। ठीक है ठीक है, ऑल ओवर इंडिया के आपके लिए स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा भी नीचे जो भी प्राइजेस रहते हैं आपके। ठीक है, इवन हम एक पीडीएफ भी अटैच कर देंगे अगर हो सका तो उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं, आपको जैसे एक सोफ़ा मंगवाना हो या एक बेड मंगवाना हो तो आपके सिटी में कितना कॉस्ट आएगा उसका। ठीक है ठीक है, तो लमसम सर आप लेके भी चले तो कम से कम 8-10 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है डिलीवरी चार्जेस और विद पैकेजिंग होता है। हाँ सर, विद पैकेजिंग एवरीथिंग मिलाकर इतना खर्चा आ जाता है, जो कि हम अच्छे ट्रस्टेड पार्टनर्स के थ्रू ही बेचते हैं, जैसे अग्रवाल पैकेज एंड मूवर्स आ गया, डिलीवरी आ गया आपका, इनके थ्रू ही बेचते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो सारे जो डिस्प्ले में जितना प्रोडक्ट हमने दिखाया, फर्नीचर दिखाया और मैनुफैक्चरिंग यूनिट दिखा दिया, पर भले काम नहीं हो रहा था पर दिखा दिया कि यहाँ बनता है। जी जी, और आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है जो फोटोग्राफ की ऑल इंडिया डिलीवरी के क्या चार्जेस रहते हैं। हाँ जी, है ना सर, इवन जो इस बार नंबर्स हम नीचे दे रहे हैं आपको, एक नंबर हमारा दिल्ली एनसीआर के लिए है, एक हमने अलग नंबर कर दिया है ऑल ओवर इंडिया के लिए एक्सेप्ट दिल्ली एनसीआर के लिए। अच्छा ठीक है, आपकी कोई होलसेल क्वेरी भी होती है आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो सब कुछ दिखाया, प्राइस बताए, क्वालिटी बताए। हाँ जी ठीक है, तो आपको कैसी क्वालिटी लगी, आपको कैसे प्राइस लगे आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको इनका फर्नीचर पसंद आया है पर डिज़ाइन कुछ लोग होते हैं एक्सेप्शनल होते हैं, इनको समझ नहीं आता डिज़ाइन, अगर आपके पास अपना कोई डिज़ाइन है तो आप सर को शेयर कर सकते हैं, खुद मैन्युफैक्चरर है, एक कम प्राइस में एक अच्छी चीज़ आपको बना के दे सकते हैं आपको, तो अगर आप कुछ भी लेना चाहते हैं तो प्लीज़ दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करिए, या स्टोर गाज़ियाबाद में रमताराम रोड पर है राजा फर्नीचर के नाम से, तो आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। इवन सर कुछ सजेशंस हम वी आर ऑलवेज वेलकम फॉर, तो अपने सजेशन जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, जरूर बताएं कि सर को क्या ऐड करना चाहिए डिज़ाइन में, क्या क्वालिटी में अपग्रेड करना चाहिए, क्या प्राइस में कम करना चाहिए, जो अभी आपको समझ आता है प्लीज़ एक बार जरूर बताएं। तो धन्यवाद सर, आपका दिल से धन्यवाद टाइम देने के लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे साथ ऐसे ही न्यू एंड इंटरेस्टिंग फर्नीचर देखते रहिए। धन्यवाद।